सकता था ये कि मैंने 17,000 में ये बाइक ली थी। फिकर नहीं, ये बाइक पता है, ये सोच रहा हूँ बाइक गिव अवे कर दो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड काफ़ी दिनों बाद आज की वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब थोड़ा सा मतलब क्विट कर रखा है। थोड़ा सा क्या, लगभग अब क्विट ही पे है, क्योंकि यूट्यूब छोड़ने वाला हूँ। बट कुछ अपने जो कट्टर सपोर्टर बोल सकते, जो 1000-1500 लोग हैं जो हमेशा से अपना सपोर्ट दिखाते रहे, वैसे वो वाले सब्सक्राइबर नहीं जिनको नई गाड़ी चाहिए, फिर नए बाइक चाहिए, जो भी कंटेंट होता वो देखते हैं, तो वैसे लोगों के लिए मैंने सोचा कि क्यों, मेरे पास तो अभी कुछ वैसा ही नहीं, मैं अपने गांव में हूँ फ़िलहाल, एंड क्यों ना एक वीडियो शूट कर लूँ। और वीडियो में ये था कि मेरे पास RS के बाद एक ये 150 भी है, और ये 150 पल्सर RS के बाद मैंने लिया था, और ये लगभग 2011 या 12 मॉडल है शायद। और ये जितना मैं लिया था वो काफ़ी ज़्यादा, ये कि मैंने 17,000 में ये बाइक ली थी, और 17,000 में काफ़ी अच्छी बाइक मुझे मिली थी। और अप्रोक्सी ये 2 साल हो चुका है मुझे लिए, एंड पीछे काफ़ी अच्छा व्यू है, बट बारिश हो नहीं रही है इस एरिया में, तो ये वैसा भरा हुआ नहीं है, नहीं तो ये अभी वीडियो बनाने भी नहीं देता। तो अभी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ है जो यूट्यूब जैसे छोड़ने का रीज़न है वो बता देता हूँ। पहला चीज़ कि हर टाइम रेस नहीं कर सकते, और नई चीज़ लोगों को मतलब नए सब्सक्राइबर जो अपने सब्सक्राइबर उनको पसंद नहीं है, और ना ही छपरी टाइप से कर सकते, क्योंकि आज के टाइम में या तो आपके पास सुपर बाइक है, आप पापा बन जाएंगे सबके, ठीक है। बाप अगर आपको बनना है सबका, सुपर बाइक ले लो, ठीक है। अभी ये यूट्यूब का सीधा सिनेरियो, जितने भी सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं देख लीजिए, सिर्फ बाइक बाइक नहीं, सुपर बाइक नहीं, सुपर तो वो नहीं भाई, हर कोई ये नहीं कर सकता। और मैं 10-15 लाख लगा करके कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ जो वैसे सब्सक्राइबर गेन करूँ जिसको मतलब बाइक और पैसों से मतलब हो, तो वैसा कोई अपना सीन नहीं बनता। बट वो तो अलग है, अपने जो सरकार है वो वीडियो देखे, तो चलो बाइक दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे लिया मैंने OLX से, और क्या क्या चीज़ें OLX पे करनी चाहिए। सो ये रही अपनी पल्सर 150, और ये BS3 एंड मोस्ट पावरफुल 150 बोल सकते हैं। इससे पहले एक ब्लैक इंजन आता था, वो भी इससे थोड़ा ज़्यादा पावरफुल था, बट ये सिल्वर इंजन तक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ये बाइक थी। अभी सामने से आप देख सकते हैं बाइक चारों तरफ से अच्छी है। जब मैंने लिया था तो ये बाइक में देख लीजिए, यहाँ एक छोटा सा डेंट था और यहाँ पे एक डेंट था, एंड ये जो वाइजर था ये टूटा हुआ था। एंड उसके अलावा ये बाइक में कुछ वैसा ये नहीं था कि मतलब 17,000 रुपये के हिसाब से बाइक ख़राब मिली हुई है, मिली थोड़ा सा क्लच प्लेट जला हुआ था, तो वो चीज़ें अलग है। वो मैंने तो मतलब जब लिया तो उनका आस्किंग था लगभग 30 के आसपास, 25 लास्ट आ रहे थे। बट बाइक अगर सेकंड हैंड आप ले रहे हैं तो सेकंड हैंड बाइक में सबसे पहले चीज़ है कि जैसे फर्स्ट किक पे ये स्टार्ट हो गई, तो वहाँ पे तो ये सही हो गया कि भाई बाइक कंडीशन सही है, क्योंकि एक किक पे स्टार्ट हो जाना वो बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ चला करके देखा तो समझ में आया कि नहीं, बाइक तो ठीक है बट अपने को अब करना है दाम इतना कम कि वो आ जाए ठीक दाम पे। तो मैंने तो 15 बोला था, बट 16 में फाइनल हो जाती, बट मेरे दोस्त ने 17 बोल करके फाइनल करवा दिया। फिर भी 2 साल से चला रहा हूँ, हाँ 1 साल चली गाड़ी, एंड उसके बाद हल्का सा हेड का काम आया तो मैंने हेड पूरा चेंज करवा दिया। अभी जो है ये गाड़ी N160 को बीट कर देती है, ठीक है, और पल्सर N160 तक को टक्कर दे देती है। आपने एक वीडियो अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना, हम हो सकता है कमेंट में दे दें आपको, वहाँ पे पिन रहेगा वो देख लें। N160 को ये ईजिली बीट कर देती है, P150 को बीट कर देती है। तो ये चीज़ अभी भी इसमें है कि 17,000 में लेने के बाद भी ये बाइक इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, और अभी इसकी एग्जॉस्ट नोट भी आपको सुनाएंगे एंड कितना 1000 किलोमीटर क्लॉक किया है ये दिखाएंगे, क्योंकि पहले वाली 150ों का ये था कि 30 से 35 पे उसका मतलब टाइमिंग चेंज वगैरह चेंज होता था, तो वो सब सारा चीज़ चेंज हो चुका है। बात यहाँ पे ये है कि OLX से बाइक कैसे लें, बहुत से लोग कन्फ्यूज़ रहते कि भाई OLX से बाइक कैसे लें, वो चीज़ लास्ट में कवर करेंगे। अभी कवर करते हैं कि कितना खर्चा अभी तक आया है जब से मैंने बाइक लिया। तो बाइक जब लिया था तो ये बाइक का ये टूटा हुआ था, तो ये तो सेकंड हैंड मिल गया था, मेरे जो मतलब दुकानदार है या बोल सकते हैं जो गैरेज जहाँ मेरी बाइक की वाली सर्विस होती है, RS तो भाई शोरूम में सर्विस होती है, तो ये जो है ये वहाँ से मिल गया, तो ये ब्लैक पेंट करवा लिया था, तो कोई ज़्यादा खर्चा आया नहीं। ये टंकी तो सीधा हो जाता है, 400 रुपया लगा था एंड हल्का सा ब्लैक पेंट करवा दिया था, तो अप्रॉक्स
2 से 3 हज़ार रुपये मेरी बाइक पूरी एकदम ब्लैक जो होती है एकदम नई टाइप से हो गई, एंड क्लच प्लेट में 2 हज़ार रुपये लगा था वो चला गया, मतलब सर्विस करके क्लच प्लेट वगैरह चेंज करके 2 हज़ार रुपये लगा, तो 3 × 2 = 5 एंड 3 हज़ार रुपये ट्रांसफर में, तो अप्रोक्स 25 हज़ार रुपये में ये बाइक पूरी मतलब फुल रेडी मेरे को मिल गई थी। और बाद में जब 1 साल चलाने के बाद फिर वो हेड का काम हुआ, तो अप्रोक्स साल भर चलने के बाद तो भाई कुछ ना कुछ तो परेशानी आपको ये करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो चेंज होता ही है, क्योंकि नई बाइक एक दुल्हन होती है, ठीक है, सॉरी दुल्हन नहीं बोल सकते, नई बाइक अच्छी होती है, उसमें पैसा लगाना नहीं पड़ता 2 साल तक, या तो 1 साल तक फ्री सर्विस वगैरह होता है तो उतना कुछ लगाना नहीं पड़ता, लेकिन हाँ जैसे ही फ्री सर्विस ख़त्म होता है तो कुछ ना कुछ लगता रहता है। तो पहले चलो इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं, फिर ओएलएक्स वाली बात करते हैं कैसे क्या होगा। यहाँ देख सकते हो मीटर और क्लॉक कितना कर रखी है, 56 हज़ार के आसपास क्लॉक कर रखी है ये बाइक, अभी भी 120 वगैरह डबल लोडिंग में आराम से चली जाती है, न्यूट्रल हो चुका है और ये पुराना स्टाइल उल्टा, अभी मैंने खींच करके इसको चलाया और देख ली एक सेल्फ पे स्टार्ट हो जाती है। ओह ये क्या था, ज़्यादा लगता है रेस नीचे था, तो ये जो था ओल्ड पल्सर वाइब, पुरानी पल्सर कहीं ही वाला आवाज़, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने एक अच्छी बाइक ले ली। अब बात है कि ओएलएक्स से कैसे बाइक लें, तो ओएलएक्स से बाइक लेने के लिए सबसे पहला एक दो चीज़, पहला कि आपके अंदर थोड़ा झूठ बोलना आना चाहिए, क्योंकि उसको झूठ बोलना होगा, कितना भी वो भी चाहेगा कि उसको ज़्यादा मिले, आप चाहेंगे कि आपको जितना कम से कम मिल जाए, तो यहाँ पे चीज़ है कि थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि भाई इतनी पुरानी बाइक है, ये वैसे ऐसे, पेपर तो सारा देख लिया था, पहली चीज़ कि पेपर आप ऑनलाइन सर्च कर लो, दूसरी चीज़ टायर से पता चल जाता, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी बाइक 10 हज़ार चली हुई है, 10 हज़ार चली हुई और टायर चेंज है, तो समझ लो कि बाइक को थोड़ा सा रगड़ करके चलाया गया, क्योंकि कितना भी इज्जत से आप बाइक चलाएं, अगर ये सब गाड़ी 20-25 हज़ार से पहले इनका टायर चेंज नहीं होता है, कितना भी अगर रफ भी चलाएंगे तो पीछे वाला चेंज होगा, आगे वाला नहीं, आगे वाला अगर चेंज है तो समझ लो कि गाड़ी अगर 10 हज़ार दिखा रहा है तो 20 के आसपास चली हुई है, ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ वहाँ पे चेक करने का होता है कि आप पहले फुल थ्रॉटर देख लो, अगर काला धुआं उजला धुआं, काला धुआं आ रहा है तो कार्बोरेटर या एफआई का थोड़ा सा इशू है, उजला धुआं आ रहा है तो आपकी गाड़ी मोबिल उठा रही है, तो वहाँ पे देख लेना, ये गाड़ी तो धुआं नहीं दे रही थी उस टाइम ओके थी, ये चीज़ हो गया। तीसरी चीज़ है कि देखें अगल बगल, ठीक है, क्योंकि कुछ बाइक चोरी की होती है, सारा कुछ पेपर वगैरह वो तो आप लोग कर ही लेते होंगे, बाइक चेक करने की बात तो वही 2-3 चीज़ें, स्टेटर झाड़ के देख लो कितना क्या है कैसा है, धुआं से निकल जाएगा, और चला करके देख लो, खींच करके देख लो, तो वो तो समझ में आ ही जाएगा। अब बार्गेनिंग कैसे करनी है, रेट जो है सीधा रेट नीचे डाउन करो, बताओ क्या इसका तो ये चीज़ हो गया है, ऐसे है, ये तो बंद हो चुका है, ये मॉडल तो वैसा हो चुका है, BS3 है, BS4 है, BS6 है, जो भी है, Phase 1 है, Phase 2 है, ऐसे करके डाउन करो, वहाँ पे भी उसे लगेगा कि हाँ भाई थोड़ा लगता है कि कम जाना चाहिए, रेट इतना कम बोलो कि धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते सही रेट पे आ जाए, जैसे मैंने बोला था, उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते 17 में मिल गई, तो ये चीज़ है। बाकी रहा यूट्यूब ये करनी, ये बाइक पता है, ये सोच रहा हूँ बाइक गिव अवे कर दो, इस वीडियो पे अगर 25-30 हज़ार व्यूज़ आ गया ना तो अगली वीडियो पे कुछ टारगेट रख करके इसको गिव अवे कर दूंगा, तो होप सो ये वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि ज़्यादा खींचेंगे नहीं, और बाकी तो पता ही यूट्यूब का क्या हाल है, तो अभी जो है इस वीडियो को एंड करते, ज़्यादा खींचते नहीं है क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा हो रही है और वीडियो भी काफ़ी दिन बाद आ रहा है, तो ज़्यादा लंबा करते नहीं, मिलते हैं इसी तरीके की नई वीडियो में, मतलब होप सो, तब तक के लिए बाय बाय।